हेलो, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आज हम लोग नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं। उस टॉपिक का नाम है, माने चैप्टर नया होगा, चैप्टर नंबर 11 जो एनसीईआरटी में है वो चैप्टर हम लोग शुरू करेंगे, जिसका नाम है ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। पहले यही थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, ड्यूअल नेचर मतलब दोनों नेचर है रेडिएशन का, जैसे मान लीजिए लाइट रेडिएशन है लाइट का, एंड मैटर, मैटर जो है उसका भी दोनों तरह का नेचर है। दोनों तरह का नेचर का मतलब हुआ वेव नेचर एंड पार्टिकल नेचर, मतलब वेव की तरह भी बिहेव करेगा और पार्टिकल की तरह भी बिहेव करेगा। कौन कौन? रेडिएशन भी जो है वेव की तरह बिहेव करेगा, मान लीजिए लाइट, और पार्टिकल की तरह भी बिहेव करेगा। उसी तरह मैटर जो है, कोई मटेरियल जो है, मान लीजिए इलेक्ट्रॉन, तो वो जो है वेव की भी तरह ये बिहेव करेगा और पार्टिकल की तरह भी, यानी रेडिएशन और मैटर दोनों में वेव नेचर है और पार्टिकल नेचर है, यही ये चैप्टर है। देखिए, इसमें सबसे पहले हम लोग वर्क फंक्शन पढ़ेंगे। वर्क फंक्शन क्या है सो समझिए। तो हम जानते हैं कि हम लोगों का जो मेटल में है वो फ्री इलेक्ट्रॉन रहता है, और ये फ्री इलेक्ट्रॉन जितना बड़ा मेटल का टुकड़ा है उस पूरे में मतलब जो घूमते रहता है एकदम एट रैंडम, कभी इधर कभी उधर, जैसे भी सारा फ्री इलेक्ट्रॉन, लेकिन ये निकलता नहीं है मेटल से बाहर। क्योंकि मान लीजिए अगर कुछ ऐसा एनर्जी का हिसाब हुआ कि वो निकलना चाहता है, थोड़ा सा मान लीजिए एनर्जी उसको मिला ज़्यादा कि वो निकलना चाहता है, तो क्या करेगा मेटल, फिर उसको खींच लेगा। क्यों खींच लेगा? तो इलेक्ट्रॉन तो निगेटिव चार्ज है, उन हटा तो यानी मेटल हो गया पॉजिटिव, तो कहने का मतलब जो निगेटिव चार्ज को खींच के फिर वो अपने में ही वो ले आएगा। तो इसीलिए इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकल सकता है मेटल से, बल्कि मेटल में ही वो सब जगह घूम सकता है, यही कहने का मतलब है। तो अब है कि हम चाहते हैं कि इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालें, तो इसके लिए दो स्टेप में हम सोचते हैं। पहला स्टेप कि वो जो मेटल उसको अट्रैक्ट कर लेता है जिस फोर्स से या जिस एनर्जी से उसको खींच लेता है, उतना एनर्जी अगर हम बाहर से दे दें मेटल पर, तो उस अट्रैक्शन से वो फ्री हो जाएगा, उस अट्रैक्शन से वो फ्री हो जाएगा। और उससे अगर हम ज़्यादा एनर्जी देंगे तो मेटल सरफेस को छोड़ के भी भाग जाएगा। तो मेटल सरफेस तक लाने में और मेटल के अट्रैक्शन को नलीफाई करने में जितना मिनिमम एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, उसी को कहते हैं उस मेटल का वर्क फंक्शन। मैं समझता हूँ बात क्लियर है। फिर एक बार कह देते हैं, किसी इलेक्ट्रॉन को मेटल के अट्रैक्शन से जस्ट फ्री करने के लिए जितना एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, उसी को कहते हैं वर्क फंक्शन। और वर्क फंक्शन को हम लोग डिनोट करते हैं ये फाई से। वर्क फंक्शन को डिनोट करते हैं फाई नॉट से। वर्क फंक्शन को हम लोग डिनोट करते हैं फाई नॉट। देखिए, इसलिए लिखा हुआ है वर्क फंक्शन का एक तरह से डिफिनीशन, दिस मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन टू
केप फ्रॉम द मेटल सरफेस इज कॉल्ड वर्क फंक्शन ऑफ दैट मेटल एंड वर्क फंक्शन इज जनरली डिनोटेड बाय फाई नॉट एंड मेजर्ड इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट. वर्क फंक्शन भी एक एनर्जी है, ये तो क्लियर हो गया कि वह मिनिमम एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन को देने के बाद वो मेटालिक अट्रैक्शन से फ्री होकर मान लीजिए सरफेस पर आ जाए, यहाँ तक जो एनर्जी मिनिमम लगेगा उसको कहते हैं वर्क फंक्शन. तो ये एनर्जी जो है वर्क फंक्शन वाला, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इस सब को दिखाते हैं. हम लोगों का तो ऐसा यूनिट जूल है, जूल इलेक्ट्रॉन वोल्ट के तुलना में बहुत बड़ा एनर्जी है, आ हम लोगों का ये वर्क फंक्शन बहुत छोटा एनर्जी है ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला. तो कहने का मतलब कि एटॉमिक और न्यूक्लियर फिजिक्स में जो एनर्जी हम लोग डील करते हैं वो एसआई यूनिट यानी जूल में नहीं करते हैं, जनरली हम लोग इलेक्ट्रॉन वोल्ट या उससे बड़ा हुआ तो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट वगैरह वगैरह में हम लोग यूज करते हैं. तो ये जानना है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसे कहते हैं, वो कितना एनर्जी होता है. तो देखिए बहुत सिंपल बात है, एक इलेक्ट्रॉन को, एक इलेक्ट्रॉन पर तो चार्ज आप जानते हैं 1.602 × 10⁻¹⁹ कूलम्ब होता है, याद रखिए. तो एक इलेक्ट्रॉन को एक वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस में अगर हम एक्सेलरेट करते हैं तो उस समय वो जितना एनर्जी गेन करता है उसी को कहते हैं एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट. इसीलिए एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का ई भी माने इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये एनर्जी हुआ इसका माने चार्ज गुना वोल्ट को आप एनर्जी समझते हैं. पहले से इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर में पढ़े हैं चार्ज इंटू वोल्ट इज इक्वल टू एनर्जी. तो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज ई है और हम बोले हैं एक वोल्ट के बीच में उसको रख के एक्सेलरेट कीजिए तो वन वोल्ट, तो ई इंटू वन, तो ई का वैल्यू रख दीजिए या एसआई यूनिट में इतना अभी जो बोले, और वन वोल्ट को वन लिख दीजिए वन वोल्ट, तो इतना मतलब कूलम्ब इंटू वन वोल्ट इक्वल टू इतना जूल हो गया. वन से है तो इतना ही होगा यानी इतना जूल. जितना इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होता है, एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है उतना ही जूल हुआ एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट. इसको याद रखने के लिए कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना जूल होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वही पर अगर जूल लगा दीजिएगा, चार्ज तो कूलम में होता है उसमें जूल लगा दीजिएगा तो वही हो गया एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर. ये एसआई यूनिट है. अच्छा यहाँ 1.602 लिखे हैं, आप नहीं चाहते हैं इतना लंबा चौड़ा याद रखें तो 1.6 तो लिखिएगा ही इंटू 10⁻¹⁹ जूल. सो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू इतना जूल, वही लिखे हैं हम. देखिए जो बोले, दिस इज ए वेरी स्मॉल यूनिट ऑफ एनर्जी एंड यूज्ड इन एटॉमिक और न्यूक्लियर फिजिक्स. एटॉमिक और न्यूक्लियर फिजिक्स को जब हम डील करते हैं तो उस समय हम जो एनर्जी लेते हैं वही इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लेते हैं या बढ़ा लेते हैं तो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट MeV मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट वगैरह में. अच्छा अब देखिए डिपेंडेंस ऑफ वर्क फंक्शन किस बात पर डिपेंड करता है, किसी मेटल का जो वर्क फंक्शन है वो किस बात पर डिपेंड करता है, ये दो बात पर. क्या है ये, पहला है प्रॉपर्टीज ऑफ द मेटल. मेटल का क्या प्रॉपर्टी है, जैसे मान लीजिए एक मेटल अल्मीनियम है, दूसरा में मान लीजिए एक मेटल पोटेशियम है तो दूसरा मेटल कैल्शियम है या मरकरी है, कुछ भी है, कॉपर है, जो मतलब ये सब काम जिसमें हो सकता है. तो कहने का मतलब सबका
प्रॉपर्टी पर डिपेंड करता है आपको वर्क फंक्शन, पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट है नेचर ऑफ द सरफेस ऑफ द मेटल। मेटल का सरफेस का नेचर जैसा रहेगा उस हिसाब से भी आपको वह आपको वर्क फंक्शन डिपेंड करेगा। तो ये दोनों को भी दिमाग में रखिए कि किस चीज़ पर वर्क फंक्शन डिपेंड करता है। अच्छा, कुछ मेटल का वर्क फंक्शन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया हुआ है, तो इसको जो है याद करने की उतनी ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी एक आइडिया ले लीजिए। ये है सीजियम 2.14, इलेक्ट्रॉन वोल्ट है सब। पोटेशियम है, सोडियम 2.75, कैल्शियम, ये है मरकरी 4.49, कॉपर, आर्जेंटम सिल्वर 4.70, ये है निकेल 5.15, ये है पीटी माने प्लैटिनम 5.65, सबसे ज़्यादा मान लीजिए, और सबसे कम सीजियम है। तो आगे देखिएगा इस सब का जब हम लोग कुछ और काम करेंगे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में पढ़ने लगेंगे, तब इस सब का आपको समझ में आएगा कि कौन कौन मेटल कैसे यूज किया जाता है। अच्छा, दूसरा टॉपिक है, पहला टॉपिक तो वर्क फंक्शन था, तो मैं समझता हूँ वर्क फंक्शन क्लियर हो गया होगा आपको। दूसरा टॉपिक है इलेक्ट्रॉन एमिशन, माने इलेक्ट्रॉन मेटल से किस किस तरीके से निकल सकता है। तो तीन तरीका दिए हैं, एक है गर्म करने वाला तरीका, उससे भी इलेक्ट्रॉन निकलेगा। दूसरा है आपको स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड में मेटल को डाल दीजिएगा, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इलेक्ट्रॉन पर जोर लगाएगा और उसको मेटल से फ्री कर देगा, तो उसके कारण भी इलेक्ट्रॉन निकल सकता है। पहला, बाय सुटेबली हीटिंग द मेटल, मेटल को बढ़िया से हीट कीजिए सुटेबली, और इलेक्ट्रॉन आपको निकलना शुरू हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन एमिट होना शुरू हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन एमिशन। और दूसरा है फील्ड एमिशन, वही बोले स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आप लगा दीजिएगा। स्ट्रॉन्ग का दिया है एक अंदाज कि अबाउट 10^8 वोल्ट मीटर, मैंने इसी ऑर्डर में 10^8 वोल्ट पर मीटर का अगर लगाइएगा आप इलेक्ट्रिक फील्ड, तो मेटल से इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन एमिशन शुरू हो जाएगा। और तीसरा वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, जो ही हम लोगों को इस चैप्टर में पढ़ना है, वह क्या है, बाय इल्यूमिनेटिंग ए मेटल सरफेस विथ लाइट ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी, मतलब मेटल पर अगर आपको सुटेबल फ्रीक्वेंसी का लाइट देना है तो वो निकलने लगेगा इलेक्ट्रॉन। उस फ्रीक्वेंसी से कम दीजिएगा तो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। तो आगे पढ़िएगा, वही फ्रीक्वेंसी जो है जिस पर कि इलेक्ट्रॉन निकलने लगता है, थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी कहलाता है, और उससे जरा भी कम अगर आपका फ्रीक्वेंसी वाला लाइट हुआ तो आपको इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। और जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा इसमें फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन में, मतलब लाइट देने पर जो भी इलेक्ट्रॉन निकलेगा, वैसे इलेक्ट्रॉन को फोटो इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, वैसे इलेक्ट्रॉन को फोटो इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। जैसे गर्म करने पर जो इलेक्ट्रॉन निकलता है थर्मल इलेक्ट्रॉन्स कहलाता है, उसी तरह से अगर हम लाइट देके कोई भी मेटल से इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो इलेक्ट्रॉन ही, लेकिन नाम उसका रहेगा फोटो इलेक्ट्रॉन। तो मैं समझता हूँ कि यही छोटा चीज़ है, ये आपको दिमाग में बढ़िया से बैठ जाएगा और आप समझ गए होंगे। अगर पसंद है तो आप जो है लाइक कर देंगे। अच्छा, अगर जो सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं और वीडियो देखते हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा,
ताकि हमको भी कुछ साहस मिलेगा वीडियो देने का, मन लगेगा कि हाँ कोई पढ़ने वाला सब है जिसको इंटरेस्ट है। अच्छा, दूसरा, अगर दूसरे को आप साथी को मदद करना चाहते तो उनको व्हाट्सएप वगैरह से मेरा वीडियो भेज दीजिए, उनका भी स्टडी बढ़िया से चलता रहेगा। दैट्स ऑल, थैंक यू।